नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण की विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पत्ते से किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि ये जो भी हम विधि बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अतः पूरा वीडियो देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कमेंट सेक्शन में आने वाले जितने भी कमेंट हैं सभी गलत हैं, फ्रॉड कमेंट है, आप उनसे सावधान रहें, नहीं तो आपकी हानि हो सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार की सलाह हमसे लेना चाहते हैं या किसी भी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। माताएं बहनें, कठिन दिनों में ये विधि बिल्कुल भी ना करें। मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है, क्योंकि ये सात्विक विधियां हैं, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आज हम जो विधि आपको बताने जा रहे हैं वो तुलसी के पौधे के पत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जो तुलसी का पत्ता है इसका शास्त्रों में बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में चरणामृत के जो पानी होता है उसमें भी तुलसी का पत्ता मिलाकर दिया जाता है और तुलसी के पौधे की हम पूजा भी करते हैं। उसी प्रकार से तंत्र विद्या में भी इस पत्ते का बहुत महत्व है। इससे इतना प्रभावशाली वशीकरण होता है जो काटे नहीं करता है, उसका असर बहुत ताकतवर होता है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। विधि का समय रहेगा किसी भी रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, किसी भी पक्ष के रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार की रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि करनी है। ज्यादातर तंत्र विद्याओं का समय रात्रि का होता है, यह भी उन्हीं विद्याओं में से एक है। तो आपको रात्रि 12 बजे कपड़ा बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और एक तुलसी का पत्ता, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता आपको लेना है जो खंडित नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आप धो लेना और उसका आपको यूज करना है। 12 बजे के बाद जो चार बार आपको बताए हैं, रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इन चार बार की रात्रि 12 बजे के बाद आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी का पत्ता सीधे हाथ में लेकर इसे अभिमंत्रित करना है। क्योंकि जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक तंत्र विद्या असर नहीं करती है। मंत्रों के माध्यम से ही तंत्र विद्या असर करती है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है। मंत्र थोड़ा सा कठिन है पर आपको दो चार बार इसका अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। मंत्र सुनिए, ओम क्लीम, ओम क्लीम वश्यम, क्लीम ओम, क्लीम ओम। यह मंत्र है, आपको किसी का नाम नहीं लेना है क्योंकि यह विधि खिलाए पिलाए के अंतर्गत आती है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि तंत्र विद्या की सबसे पावरफुल विधि जो होती है वो खिलाया पिलाया के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये सीधा शरीर में जाकर काम करती है, सीधे शरीर के नसों में जाकर यह काम करती है और शरीर के रोम रोम में बस जाती है। तो यह बहुत ही पावरफुल प्रचंड वशीकरण है। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम क्लीम, ओम क्लीम वश्यम, क्लीम ओम, क्लीम ओम। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। आप ऐसे अंगुलियों पर गिन सकते हो, आप माला का यूज कर सकते हो, आप लिखकर यूज कर सकते हो, किसी भी प्रकार से, पर मंत्र 251 होने चाहिए, न कम न ज्यादा। अच्छे से आपको अभिमंत्रित इसे करना है। जैसे ही आप इसे 251 बार अभिमंत्रित करो उसके पश्चात आप चाहे तो दूसरे दिन, उसी दिन आपको नहीं देना, रात्रि में आपको नहीं देना, रात्रि से अपने पास रखना है इस पत्ते को, अभिमंत्रित पत्ते को, और इसे जमीन पर नहीं गिरने देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने पास इसे किसी भी कागज में लपेट कर आप रख सकते हो। जैसे ही आपको दूसरे दिन, मान लीजिए आपने ये उपाय किया रविवार की रात्रि को, तो चाहे आपको सोमवार को समय मिले, चाहे मंगलवार को समय मिले, चाहे बुधवार को समय मिले, ये पत्ता किसी भी तरीके से आपको सामने वाले के शरीर में पहुंचाना है। चाहे तो आप अभी काढ़े का चलन चल रहा है, काढ़े के अंदर मिलाकर इसको पिला सकते हो, चाहे आप इसे पीसकर खाने में मिलाकर दे सकते हो। जैसे जैसे ये अभिमंत्रित पत्ता उसके शरीर से उतरेगा, उसके शरीर में गले से उतरेगा, वैसे वैसे वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। एक दिन का वशीकरण है सिर्फ ये। जैसे जैसे ये पत्ता उसके शरीर में जाएगा वैसे वैसे वो व्यक्ति आपके पूरी तरीके से वश में हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली प्रामाणिक विधि है जो आज तक फेल नहीं हुई है। खिलाया पिलाया विधि के अंतर्गत आती है। एक तुलसी का पत्ता आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है।
तो हम आपको हर विधि में समझाते हैं कि विधि करने से होगी। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने से नहीं होता है, आप विधियां करिए, जो हम बताते हैं उन्हें आजमाइए, आपको 100% लाभ मिलेगा। पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे सच्चे मंत्रों के साथ, मंत्रों के उच्चारण आपको सही करने हैं, बहुत प्रभावशाली टोटके हैं, आपकी जीवन बदलने की ताकत रखते हैं, आप स्वयं करिए। अगर विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है, या कोई भी समस्या को हमसे डिस्कस करना चाहते हो, सलाह लेना चाहते हो, तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी आप ये विधि करिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी।